खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दिग्विजय सिंह ज्यादा कुछ बोलने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, बूथ बूथ घूम रहे हैं भोपाल में। और वहीं हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा से एबीपी न्यूज संवाददाता आदेश ने बात की। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है? नहीं, कोई जातियों में नहीं बटा हुआ चुनाव। छत्तीस जात हमारे समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी का, छत्तीस जात। बीजेपी का प्रयास है लेकिन वो विफल है, क्योंकि लोग उनके समझ चुके हैं कि अपना व्यक्तित्व नेतृत्व के लिए ऐसी बात करते हैं, बाकी कोई विकास का कार्य होता है छत्तीस जात के काम आता है। स्कूल बनेगा छत्तीस जात पढ़ेंगे, सड़क बनेगी छत्तीस जात जाएगी उसमें, तो ये तो कोई बटा हुआ नहीं है। मैंने कभी आपको पहले भावुक होते नहीं देखा, आप घोड़ा रैली में थोड़े भावुक हो गए थे। नहीं, वो तो देखो लोगों का इतना स्नेह और प्यार देख के हो जाता है कई दफा। आपके बारे में कहते हैं सोनीपत में कि आप बाहर से आए हैं, आप तो रोहतक के हैं, आप बाहरी कैंडिडेट हैं। हरियाणा मेरे लिए एक सारा हरियाणा मेरा है। लेकिन खट्टर साहब आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। खट्टर साहब के लिए करनाल बाहर के हूँ ना, वो रोहतक के करनाल दिन जाके लड़े हैं, उनके लिए बाहर का हूँ, मेरे लिए तो सारा हरियाणा एक है। अभी मोदी जी आए थे रोहतक में, तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे अगर दोबारा पावर में आए तो। मेरा कोई नाम नहीं लिया उन्होंने, मतलब वो इनडायरेक्टली बोले, उनका काम है बोलना। पाँच साल तक तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। पिछली बार एक रोहतक की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी, इस बार आपको लगता क्या कि आप हरियाणा में घूम रहे हैं हर सीट पे, कितनी सीट कांग्रेस जीत पाएगी? 2009 में जो हुआ था मेरे ख्याल में वही इतिहास रिपीट होगा, 10 में से 9 आएंगी, हो सकता है 10 की 10 भी आ जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके विरोधी कहते हैं कि आप 5 साल तक सोनीपत कैंपेन रहेंगे क्योंकि आपकी नज़र चंडीगढ़ के ऊपर है। कोई बात नहीं, जैसे पार्टी करेगी। अच्छा। लोगों को इस लोग खुश है इस बात में भी। अच्छा। मैं वही करूँगा जो मेरे लोग कहेंगे। कुछ विरोधी कह रहे हैं कि भैया आप सांसद नहीं रहोगे, आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, वो सही है? नहीं, प्रदेश की राजनीति में जन उनका मेरे को है इंटरेस्ट, लेकिन पहला लक्ष्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो विधायक और हाईकमांड फैसला करते हैं।